हेलो यूट्यूब पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। सो आज का वीडियो मैंने बनाया है अपने एक पूरे दिन के ऊपर, जो कि ये वीडियो मैं जन्माष्टमी से पहले ही बना चुकी थी, शूट कर चुकी थी, बट ये अभी एडिट करके मैंने डाला है। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 5। उठते ही मैं, चाहे संडे मंडे कोई सा भी डे हो, मुझे 2 गिलास गर्म पानी पीना ही होता है, जिसको मैं रात से गर्म करके इस हॉट वाटर बॉटल के अंदर रख देती हूँ, ताकि सुबह इजी हो और आलस, मतलब ऐसा ना रहे कि आलस के चक्कर में नहीं पी पाए, क्योंकि एकदम से ऐसा नहीं होता कि उठो और जा करके गर्म पानी कर लो, इतनी हिम्मत नहीं होती, तो इसीलिए रात से करके रख लेती हूँ। और साथ ही कुछ बादाम और ये क्या बोलते हैं इसे, हाँ, मुनक्का। तो कुछ बादाम और कुछ मुनक्का, ये दोनों ही हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। मुनक्का तो बहुत ही अच्छा होता है, तो इसीलिए मैं डेली मॉर्निंग में उठ के थोड़े थोड़े ये खाती हूँ। और साथ में उसके बाद फिर थोड़ा सा आंखें बंद करके अपनी मतलब हल्का हल्का बॉडी एक्टिविटी करती हूँ, लाइक जैसे अब बॉडी स्ट्रेचिंग वगैरह, और थोड़ा आँख बंद करके प्राणायाम टाइप मेडिटेशन। अभी मैं मेडिटेशन उतना डीपली नहीं कर पाती, बट हाँ कोशिश करती हूँ 2-3 मिनट के लिए स्टिल होकर के अपनी ब्रेथ के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर सकूँ, बट अभी मैं प्रो नहीं हूँ उसमें, थोड़ा थोड़ा जितना होता है उतना करती हूँ। फिर उसके बाद ये इस टाइम पे 6:30 बज चुका था, तो छत पे आ गई थी अपने डॉगी के साथ, और फिर थोड़ा ऐसे ही छत में वॉक कर लिया, थोड़ा इधर उधर घूम लिया, फिर ये यहाँ पर इसके साथ खेल चल जाता है, ये थोड़ा सुबह सुबह एक्टिव रहता है, खेल के मूड में होता है, तो इसके साथ खेल रही थी। तो ऐसे ही चलता रहता है सुबह सुबह। फिर वैसे तो ना यहाँ पर मैं छत में चली गई थी, बाकी मैं क्या करती हूँ ना, सो के उठते ही एकदम नहाने के लिए चली जाती हूँ, क्योंकि फिर ना आँख मतलब ऐसे लगती रहती है, नींद आती है, तो इसीलिए फिर नहा चुकी थी, यहाँ पूजा कर लिया। अब है ब्रेकफास्ट का टाइम, ब्रेकफास्ट में मैं 3 अंडे बनाऊँगी, क्योंकि अभी अभी सावन गया है, और तो ये सावन के बाद आज मैंने अंडे उबाले, तो अब बनेगा एग ब्रेकफास्ट। तो अंडे चढ़ा दिए मैंने और अंडे बॉईल हो गए, अब इनको छील करके सजा सजू करके इनकी प्लेटिंग करके उसके बाद हम करेंगे ब्रेकफास्ट चाय के साथ। रेडी है हमारा ब्रेकफास्ट विद गुड़ वाली मीठी मीठी चाय। तो मॉर्निंग में एक ही टाइम चाय पीती हूँ, गुड़ वाली पूरा दिन फिर कोई चाय नहीं, तो ये मेरा मॉर्निंग टाइम। और आज मुझे करना था कुछ स्पेशल, यानी कि आज मुझे करना था अपना हेयर कलर। तो काफ़ी टाइम से सोचा था करने का, बट इतना बिजी स्केड्यूल हो जाता है कि टाइम नहीं मिल पाता। आज मैंने स्पेशली मैंने सोचा था कि चलो वीडियो भी बना रही हूँ, तो साथ के साथ आज हेयर कलर ही कर लिया जाए। हेयर कलर मंगा के मैंने रखा था, हेयर कलर मेरे पास था, बट टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो इसलिए कर नहीं पा रही थी। अब फाइनली आज ठान के रखा था कि हाँ मुझे हेयर कलर करना है, तो यहाँ पर मैंने ये क्रीम लगा ली अपने माथे पर, ताकि पता नहीं क्या सोच के मैंने यहाँ पे क्रीम लगा ली, क्योंकि हेयर कलर तो मुझे नीचे नीचे ही करना था ये, क्योंकि ज़्यादा जहाँ पे गोल्डन है ना मेरे बाल, मैंने ऑलरेडी पहले कलर कराए थे, तो ये उस बहुत ज़्यादा गोल्डन कर दिए थे, आप देख सकते हो, बहुत बहुत पता नहीं क्या ख़राब हो गया था। तो ये मैंने मंगाया उसको न्यूट्रल करने के लिए ये कलर, ये कुछ आइस चॉकलेट कलर है, और अच्छा अभी जब ये कलर हो जाएगा ना तब देखना, बहुत मतलब सटल हो गए मेरे हेयर इसको करने के बाद। एक कलर है, एक डेवलपर है, और एक हेयर ग्लॉस आता है इसके साथ में, ये 3 चीज़ें होती हैं। तो चलो दोस्तों फिर स्टार्ट करते हैं अपने बालों की रंगाई।
तो ये मैं ये जो ट्यूब है कलर को डेवलपर में मिक्स कर दूंगी मैं, सारा का सारा कर दूंगी। आप अपने जैसे मतलब जिसने करना, अगर थोड़ा करना है तो वो अलग से एक बाउल में निकाल के कर सकता है, बट मैंने तो सारा यूज़ करा था क्योंकि मैं लगाऊंगी एक बार फिर मैं मम्मी को दे दूंगी, मुझे बचा के नहीं रखना। और मेरे तो ऑलरेडी बाल इतने मतलब पूरा लंबे हेयर्स हैं तो मुझे पता था कि ये आधे से ज़्यादा तो लग ही जाना है, इसीलिए मैंने सारा ही निकाल लिया। बस फिर कुछ नहीं करना होता, ये जो दोनों हमने मैंने निकाले थे इसको बस अब मैंने मिक्स कर लूँगी अच्छे से, ये मिक्स हो जाना चाहिए तो इसीलिए इसको शेक कर रही थी। ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा देन उसी के उसके बाद मैं इसे अप्लाई कर लूँगी हेयर में, और हो गया। अब ये क्या था भाई, हाँ इसके साथ ग्लव्स भी आते हैं, तो ये ग्लव्स थे ताकि आपके हाथों में कलर ना चढ़े, तो ये ग्लव्स लगा करके फिर उसके बाद हेयर कलर कर लो। बस अब ये जो आप देख रहे हो ना, ये गोल्डन गोल्डन मेरे बाल मतलब ये पता नहीं क्या ही हो गया था, तो अब ये एक एक लेयर, पहले मैंने स्टार्टिंग में सोचा कि मैं एक एक लेयर लेकर के बड़े तरीके से स्टाइल से करूँगी कलर, बट यहाँ क्या हो रहा है, ये कुछ हो रहा है ना, हाँ ये कुछ कैमरा में कुछ रिकॉर्ड नहीं हो रहा था या कुछ था, तो अब ये दोबारा से क्योंकि वो जो पॉलिथिन लगाया था ना इसकी ग्लव्स की हेल्प से वो हो नहीं रहा था सेटल कैमरा, तो अब ये दोबारा से पहन के, और ये देखो मैंने सोचा था मैं इस तरीके से बड़े नीट एंड क्लीन तरीके से करूँगी। हाँ मैं स्टार्टिंग में बताना भूल गई कि ये सब करने के लिए ना आप जब भी ऐसा हेयर कलर वगैरह करना होता है ना, स्पेशली मैं अपने को ही एडवाइस करती हूँ, क्योंकि थैंक गॉड मेरे दिमाग में आ गया कि कोई एक जो आपकी रफ सी टी शर्ट हो वो पहन लो, तो मैंने पहन ली थी, क्योंकि जो बाद में ना सारे छीटे छीटे कलर के थोड़े थोड़े टी शर्ट में लग गए थे, तो ये अभी तो यहाँ पे मैं बड़े आराम से एक ही लेयर लेके कर रही हूँ, बट बाद में मैंने क्या करा, बहुत सारी मोटी मोटी लेयर ली हेयर की और सारे में एक साथ कलर लगा दिया, क्योंकि इतना 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 पेशेंस नहीं होता। ये देखो अब यहाँ पे कितनी मोटी लेयर ली है ना, इसी तरीके से मैंने सारे बाल कवर कर दिए थे। बस फिर ऐसे ही करते करते सारे बाल हो गए, बट जब तक ये कलर लग रहा था ना तो मतलब मैं समझ चुकी थी, मुझे एहसास हो चुका था कि मेरे बालों में ठीक ठाक ही कलर हो जाएगा, जो मैं डर रही थी ना कि पता नहीं कैसा कलर होगा क्या होगा, तो कलर लगाने तक मैं समझ चुकी थी कि ठीक ही हो जाएगा। यहाँ पे ये कलर हो गया मेरा हेयर, अब इसको छोड़ देंगे। ये क्या हो गया भाई, बाल उलझ भी गए। मुझे बताता हो जाएगा, और वैसे भी उसमें क्या बोलते हैं इसके इंस्ट्रक्शंस में लिखा था कि इतनी देरी लगाना है, तो अभी बांध लिया और इनको मैं छोड़ दूंगी। और यहाँ पे मैंने हेयर वॉश कर लिया, अब इसका ये जो ये क्रीम ग्लॉस था ना ये लगा रही थी, ये ना स्टार्टिंग में जब मैंने देखा था तो मुझे ना ऐसे लगा था कि क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी क्रीम ग्लॉस है तो मुझे लगा था कि पता नहीं कैसा होगा क्या होगा एमी टाइप होगा मतलब कुछ, तो बट जब मैंने लगा भी रही थी तो ना तब भी मुझे लग रहा था हाँ, बट जब मैंने इसे वॉश करके आई ना हेयर, ये इतना इफ़ेक्टिव लगा ना मुझे, बहुत अच्छा था, और इवन काफ़ी ज़्यादा मतलब देखने में छोटी बॉटल लग रही है वो है बहुत ज़्यादा, थोड़े से में ही हो गया, तो ये लगा करके फिर इसको भी थोड़ी 10 मिनट के लिए छोड़ो, फिर इसको भी वॉश कर लूँगी। तो ये कर लिया मैंने यहाँ पे हेयर वॉश, आप देख सकते हो अभी बाल गीले हैं ना, बट हाँ आप देख लो पहले से तो ये देखो बिल्कुल मतलब जैसा मैं चाहती थी ना उस तरीके का कलर मुझे मिल चुका है, हो चुके मतलब जो पहले बिल्कुल ब्लॉन्ड कलर था वो थोड़ा न्यूट्रल हो गया, और ये मैं बहुत खुश। चलो अब करते हैं आगे की तैयारी। तो ये मेरा तो शुरू आज का मेरा मॉर्निंग रूटीन थोड़ा अलग ही हो गया था, तो अभी मुझे जाना था डेंटिस्ट के पास और मॉल, मुझे कुछ काम था, सामान लेना था बेसिकली जन्माष्टमी के लिए लेना था, और मतलब जो मैं कुकिंग वगैरह करती हूँ उसके लिए थोड़ा बहुत सामान लेना था। तो यहाँ पे मैं रेडी हो रही थी, रेडी हो करके फिर मैं निकल
गई, मतलब ये था ये दिन के मेरे ख्याल से तीन बज रहा था, हाँ तीन बज रहा था, तो तब मैं तैयार हो रही थी। ये सनस्क्रीन जो कि बहुत ज़रूरी है ये लगा लो, फिर बस तैयार होकर के निकल जाओ। वो आज ही जैसे इमीडिएट आज ही कलर करा और आज ही बाहर जाना पड़ गया ना, तो वही होता है कि मतलब आप सेम डे कलर करके सेम डे, मुझे मतलब आज जाना नहीं चाहिए था बट ज़रूरी था इसलिए मैं जा रही हूँ। तो कलर मुझे बहुत मतलब ठीक लग रहा है, मुझे जैसा मैं चाहती थी वैसा हो गया, बस और कुछ नहीं चाहिए। अब बस कॉम कर लूँगी, हेयर्स ड्राई हो चुके थे, आप बस कॉम करके निकलते हैं। तो ये हो चुकी मैं तैयार, लोअर पहना है, टी शर्ट पहना है नॉर्मल, क्योंकि मेरे को बहुत डर लग रहा था डेंटिस्ट को दिखाना था तो इसलिए बस डर लग रहा था। और ये मैंने करा उबर ऑटो और मैं निकल गई। आज मौसम बहुत अच्छा था, मतलब 3 बजे तो होती है ना जैसे बहुत तेज़ वाली धूप, ऐसा नहीं था। और डॉक्टर को दिखाने के बाद फिर मैं गई थी मॉल, दिखा चुकी थी, तो खुशी इस बात की थी कि डॉक्टर ने बोला कि मेरे दांत एकदम ठीक है, जो मुझे पेन हो रहा है वो गम्स मसल में कुछ प्रॉब्लम है इस वजह से हो रहा था। तो मैं बहुत खुश थी क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है डेंटिस्ट से, वो बस फोबिया है मुझे एक। तो फिर यहाँ पे शॉपिंग कर ली थोड़ी, सारा सामान ले लिया था, बहुत तेज़ की भूख लग रही थी, सुबह अंडे खाए थे और ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा दिन कंप्लीट हो चुका था। तो मैं पहुँची नज़ीर और फिर मैंने यहाँ पे नॉर्मल सा लंच ऑर्डर करा, जिसमें दाल मखनी थी और एक सब्ज़ी थी, कोक था ऐसा कुछ, और ब्रेड नान था। ये मैं वेट करते हुए खाने का, और खाना आ गया, बस खाना खाऊंगी फिर उसके बाद यहाँ से उठेंगे। खाना पीना हो चुका है, अब अपना झोला चमटी उठा करके हम चलते हैं घर की तरफ, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है। और ये मैं पहुंच गई मेट्रो स्टेशन, और थोड़ा एस्थेटिक वीडियो बनाने के चक्कर में और लगी थी प्यास, तो ठंडा ठंडा पानी। अब मैं ये हूँ मेट्रो में, बस ऐसे करते 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 मैं घर पहुँच जाऊँगी। घर आ गई, बहुत ज़्यादा सर में दर्द हो रहा था तो बनाई चाय, जो कि मैंने सुबह ही बताया था कि मैं दिन में सिर्फ एक ही बार चाय पीती हूँ, बट अभी मुझे सर में दर्द हो रहा था और गले में भी दर्द हो रहा था, तो इसीलिए मैंने घर आते ही बना ली थी चाय। और फिर इसके बाद चाय बना ली, चाय पीते पीते आपको दिखाऊँगी जो थोड़ा बहुत मैंने सामान लिया था वो। तो चाय है रेडी, चलिए चलते हैं आगे की तरफ। तो सामान में यही सब, थोड़े बहुत छोटे मोटे बर्तन वगैरह, इस तरीके की एक प्लेट थी, और फिर एक ये छोटू सी कढ़ाई थी, एक पिज़्ज़ा कटर, और साथ में ये एक बाउल ले लिया था। बस ऐसे ही छोटे मोटे सजाने वाले सामान, थोड़े डेकोरेटिव जो हमारे कुकवेयर्स होते हैं वो, जिसमें ये आप देख सकते हो ये छोटे छोटे मोटे ऐसे मड वाले बड़े क्यूट क्यूट से थे, तो ये मैंने ले लिए थे। ये बाल्टी टाइप की थी और ये मुझे बहुत अच्छे प्राइस में, रीज़नेबल प्राइस में मिल गए थे, सुपर 99 से मैंने लिया था, लिखा उसमें सुपर 99 होता है बट 99 का कुछ नहीं होता,
वो अपने अकॉर्डिंग ही। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि मैंने ली, मतलब मुझे ऐसा कोई, इनफैक्ट जब मैं ऑनलाइन इन चीज़ों को देख रही थी तो इनके प्राइस बहुत ज़्यादा थे, बट वहाँ से लिया तो मुझे रीज़नेबल प्राइस में मिल गए। ये थोड़ा ग्रॉसरी आइटम है, अब ये मैं एक एक करके नहीं बताऊँगी, आप देख लो इतना बड़ा झोला था, इसी में सारा सामान था। और बनाऊंगी मैं इसमें से बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, वीडियो अपलोड करूंगी तो आप देखना। ये खुल गया हमारा पिटारा, ये है सारा सामान एक लाइन से लगा दिया है। दोस्तों आपको जैसे कि पता होगा मैंने चाय भी अपनी बनाई है, और वो भी पीनी ज़रूरी क्योंकि वो ठंडी हो जाएगी। तो ये थोड़ा मैं सुस्ताते हुए साथ के साथ आराम से चाय पीने की तैयारी करते हुए, अब ये मैं बैग में क्या ढूंढ रही हूँ, मेरे ख्याल से कुछ बिल वगैरह देख रही थी। हाँ आइए दोस्तों आप भी मेरे साथ चाय पी लीजिए, जो कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ठंडी हो चुकी थी, साथ में नमकीन। और मुझे ऐसे चाय पीते हुए टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है, अपना कुछ कुछ सोचते रहो दिमाग में। और ये मेरे बाल, सुबह से ना मुझे ऐसे लग रहा है कि अब मैं सारी चीज़ों से फ्री हूँ और अपने बालों को थोड़ा, मतलब एक होता है ना जैसे आप कलर करते हो तो कलर उसके नेक्स्ट दिन तक चढ़ता है, तो मैं सोच रही थी कि कब ये थोड़े ठीक हो जाए, तो मैं मुझे लगे कि हाँ मैंने कुछ एक अच्छा काम कर लिया आज की डेट में। तो हाँ ये मैंने क्या निकाला, ऊपर से कुछ कुर्ती है, एक कुर्ती निकाली थी मैंने, ये ना काफ़ी टाइम से रखी थी, मैंने सोचा था ना कि एक मेकअप ट्यूटोरियल वाला वीडियो बनाऊंगी कुछ तो तब पहनूंगी। तो ये आप देखो कुछ ऐसी कुर्ती है, ये इसके साथ के लिए ये मैचिंग बैग कैसा लग रहा है आप देख के बताओ। बस तो आज का वीडियो मेरा बस इतना ही है, क्योंकि ना मैं ऑलरेडी बहुत टायर्ड हो चुकी थी, अब हिम्मत नहीं थी कुछ भी आगे करने की, मैंने रात में भी कुछ नहीं खाया क्योंकि ऑलरेडी एकदम स्टमक फुल था। तो बस इतना सही वीडियो, इसके बाद मैंने मतलब थक के थोड़ा अपना मी टाइम स्पेंड करके फिर मैं सो गई थी। तो दैट्स इट फॉर द डे।